18 की रेस पर जो मशीन की कैपेसिटी मैंने आपको बताया है 35 से 40 कुंटल लोड करने का, वो इजीली आप कर सकते हैं और ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ेगा होता है। जो कि पत्थर वगैरह भी आता है तो पत्थर को भी इजीली खींच लेता है। तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो ना कमाल की होने वाली। आज को आपको मैं ना स्ट्रोल लोडर दिखाऊंगा भैया, तीन प्रकार के, 15 HP, 10 HP और 7 HP। भैया ऐसे वैसे स्ट्रोल लोडर नहीं, ये वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल के स्ट्रोल लोडर है जो 1 किलो का पत्थर भी खींच सकते भैया। प्रॉपर और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई से। भाई नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं विकास मीना, वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश से हम आपके साथ मौजूद हैं नई वीडियो में। जी ये जो मशीन आप सामने देख रहे हैं, ये भूसा भरने का मशीन होता है जो कि भूसे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना रहता है। जी। ये जो मशीन हम बात करने वाले हैं आज, वसुंधरा कृषि यंत्र के सबसे टॉप मॉडल की, जो कि 15 HP का स्टॉल ऑर्डर होता है, 1 घंटे में आपको 35 से 40 क्विंटल भूसा लोड भी कर देता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें 6 इंची के सेक्शन पाइप लगते हैं, एक यहाँ पे लगेगा और डिलीवरी पाइप वहाँ लगेगा। जी। तो जो सेक्शन पाइप रहता है वो 10, 12 या 15 फीट से आप भूसे को खींच सकते हैं। खास बात मशीन में ये कि जो हम लगाते हैं इसके अंदर वो एक इम्पेलर का यूज होता है जो कि काफी हैवी ड्यूटी होता है, जो कि पत्थर वगैरह भी आता है तो पत्थर को भी इजीली खींच लेता है। तो आपको थोड़ा पत्थर से सावधानी रखनी है ताकि जो मशीन में पत्थर ना जाए और इम्पेलर डैमेज ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। और मशीन जो आप देख रहे होंगे हमारी मशीन में 8 बैरिंग का यूज किया गया है, जो कि 4 बैरिंग यहाँ लगे हुए हैं वो पेडिस्टल से पैक होते हैं जिससे बैरिंग की जो वर्किंग होती है और जो लाइफ होती है वो थोड़ी लॉन्ग लाइफ होती है। आप यहाँ देखेंगे एक पुली यहाँ लगी हुई है, एक पुली ये लगी है, एक ये लगी और एक ये लगी है, मतलब मशीन में 4 पुली लगाई हुई है। हम चाहते तो 2 पुली का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपका ट्रैक्टर 10 से 12 की रेस पे आप चला सकते हैं। और 10 से 12 की रेस पर जो मशीन की कैपेसिटी मैंने आपको बताया है 35 से 40 कुंटल लोड करने का, वो इजीली आप कर सकते हैं और ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ेगा। 35 से 40 कुंटल भूसा 1 घंटे में लोड कर सकते हैं। करेक्ट सर। ये 15 HP का है, 15 HP का लोडर। अगर आप इसको और पास से खींचेंगे तो मशीन की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। अच्छा। जनरली जो किसान भाइयों ने हमें बताया जो यूज करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो आप कैपेसिटी हमें बताते हैं आपकी मशीन इससे भी ज्यादा काम करके देती है। अच्छा। और जो मशीन में खास बात है वो भी आप थोड़ा माइंड कीजिएगा, जो मशीन में हम देते हैं वो सेकंड हैंड रिमोल्ड किए हुए टायर का यूज करते हैं ताकि इस मशीन को ज्यादा लंबा आपको लेकर जाना नहीं रहता है। अच्छा, तो इजीली 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जैसे भी अराउंडिंग आपको लेके जाना है, 40-50 किलोमीटर, तो आप इजीली लेकर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, बेटर रहेगा। टायर का बड़ा ऑप्शन है, टायर का बड़ा ऑप्शन है, ट्रैक्टर माउंटेड है ना। हाँ, वो टायर लगाने का भी ये रीजन होता है कि सर आप ट्रैक्टर लगाइए, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाइए, ट्रॉली के पीछे मशीन लगाइए, मतलब तीनों चीज आपका एक ही साथ जा सकता है। बाकी और मॉडल जो मार्केट में चल रहे हैं लिफ्ट वाले, उसको ले जाने के लिए आपको एक को ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा, ट्रैक्टर के पीछे आपको फिर मशीन लेके जाना पड़ेगा। सही बात है। फिर एक और दूसरा ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ ट्रॉली लेके जाना पड़ेगा, मतलब 2 ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट आएगी। हाँ। और इस मशीन को ले आने के लिए आपको 1 ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट आएगी। अभी भैया ट्रैक्टर माउंटेड है, इसको अपन मोटर से भी चला सकते हैं। हाँ, इसको आप मोटर से भी चला सकते हैं, 12.5 HP या फिर 15 HP की मोटर पे आप इजिली लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड भी आता है मोटर का बनाने के लिए। हाँ, अगर आप वो बोलते हैं तो मोटर भी आपको, मोटर का स्टैंड भी हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। किसान के रिक्वायरमेंट के ऊपर जैसा आपको बेटर लगता है, अगर मोटर से चलाना है तो यहाँ मोटर से भी आप इसको इजीली चला सकते हैं। इसको चलाते वक्त जो मशीन आप देख रहे हैं एज इट इज, सेम कंडीशन आपको नीचे में रखना है, क्योंकि ये जो मशीन का RPM होता है, वर्किंग होता है, वो काफी तीव्रता से होता है। मतलब ट्रैक्टर जब आपका 540 RPM पे चलेगा तो जो इम्पेलर होता है इसको तकरीबन 1800 से 2000 राउंड घूमता है 1 मिनट में, तो काफी ज्यादा प्रेशर और काफी ज्यादा वैक्यूम जनरेट करता है। हाँ। और जब आप इसको चलाते भी या टेस्टिंग भी करते हैं तो आगे किसी को खड़ा ना करें, क्योंकि इसमें जो होती है वो किसी टॉप की तरह स्पीड से आगे वर्किंग करता है, तो छोटा मोटा कोई सा भी अगर अंदर उसके अंदर रह जाता है लोहे का कतरा तो सामने वाले को हानिकारक हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। भैया इसका डेमो में जरूर दिखाऊंगा आपको, 15 HP स्ट्रोल लोडर का भैया भूसा मशीन कमाल की बनाई, बहुत जबरदस्त मशीन है सर हमारे। जी, ये जो मॉडल आप सामने देख रहे हैं ये मोटर ऑपरेटेड है, जो कि 10 HP का मशीन है। इसका एज इट इज एक मॉडल और आता है हमारे यहाँ पे 10 HP का, जो कि ट्रैक्टर का मोटर ऑपरेटेड होता है, जो कि एज इट इज उस मशीन की तरह दिखता है दिखने में। और ये वाला जो मशीन रखा हुआ है ये केवल मोटर से चलेगा, ट्रैक्टर से नहीं चलेगा। जो भूसा खींचते हैं वो 6 इंची का पाइप लगेगा इसमें आपका, 10, 12 या 15 फीट से आप इजिली भूसा खींच सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जनरली ये जो मशीन होता है मोटर से, 7.5 HP की मोटर और 10 HP की मोटर से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें लाने ले जाने के लिए भी आपको हल्का फुल्का लेके जाना है तो 12 इंची के चक्के लगे हुए हैं लोहे के, जो कि आप इसको इजीली लेकर आ सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। अच्छा भाई, ये ट्रैक्टर ये अपना मोटर फिटेड है, ये मोटर वाला है, ये मोटर वाला ने बनाने का रीजन भी होता है कि कोई राइस मिल वाले, गौशाला वाले, जिनको एक जगह रखकर यूज करना है, उनको कहीं लेकर नहीं जाना है, लेकर नहीं आना है, जैसे ट्रक आया है, ट्रक से उनको गोडाउन में से भूसा लोड करना है, तो उन लोगों के लिए मशीन जो होता है वो सफिशियंट होता है। पर इसमें अपन को एक और मॉडल बताओ, ट्रैक्टर माउंटेड भी होता है। हाँ, ट्रैक्टर वाला भी आता है मॉडल, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इसका एक छोटा मॉडल और आता है 7.5 HP का मशीन, जो कि आप सामने देख रहे हैं। जी।
इसका जो कैपेसिटी होता है वो एक घंटे में आपका 20 से 25 कुंटल भूसा लोड करता है, और जो खींचने की क्षमता होती है इस मशीन की वो लगभग आप 8 या 10 फीट से भूसा खींच सकते हैं। अच्छा, इसको चलाने के लिए आपको 5 HP की मोटर लगेगी या 7.5 HP की मोटर लगेगी, दोनों में से आप कोई सी भी मोटर चला सकते हैं 1440 RPM पे। HP और 15 HP ट्रैक्टर माउंटेड दोनों मिल जाएगा, बाकी ये भाई करंट के लिए से चलती है। हाँ, ये करंट के लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट भाई, मोटर चलती है, मोटर से चलने वाला मशीन है, वर्किंग अच्छा है और बेटर रहेगा ये मशीन आपकी भाई। कमाल की चीजें है, बाकी बड़ा बड़ी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के भाई इस मशीन को बनाया गया है, काफी शानदार है भैया आप। अच्छा, एक और चीज भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी से कोई किसान भाई मंगवाना चाहे भाई, उसकी प्रोसेस थोड़ी सी बता। सर, ऑल ओवर इंडिया में ये जो मशीन होती है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके यहाँ पहुंच जाएगा। इंडिया का फर्स्ट नंबर का ट्रांसपोर्ट होता है सब एक्सप्रेस, उस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो मशीन की डिलीवरी होती है वो हम डोर डिलीवरी कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्जेस रहेगा वो आपको थोड़ा सा वेयर करना रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा आपके मशीन के अकॉर्डिंग ऐसा रहेगा, बाकी मशीन आपको पहुंचा देंगे ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया भैया, जहां भी आपको चाहिए वहां मशीन आपको पहुंच जाएगी, कोने पे हो भाई वो आप पहुंच जाएगी। अच्छा, कॉन्टेक्ट आपको करना है भाई तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, एड्रेस वगैरह आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा भैया। तो ये वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल का काम है भैया, एक्यूरेट पूरी चेक करके देते हैं भाई, कंफर्म है भाई, बहुत ही प्यारा जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भाई ये था वीडियो में, बाकी अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें।